अमर खान क्या लगता है सीनियर एक्टर्स कितना सपोर्ट करते हैं जूनियर एक्टर्स और एक पढ़ी लिखी लड़की का कितना होना ज़रूरी है और कितना फ़र्क है दूसरी लड़कियों से मुझे ऐसा लगता है पढ़ी लिखी से भी ज़्यादा बिकॉज आई कम फ्रॉम एज अ फिल्म ग्रेजुएट फ्रॉम अ स्कूल बट इन स्पाइट ऑफ दैट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में इन्फॉर्मेशन सबके पास है नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है बड़ी अच्छी बात हारून hmm. ने कही कि किस तरह जिसके पास पावर है उसका बिहेवियर जिनके पास पावर नहीं है उनके साथ कैसा होता है तो मैंने इन तीन सालों में एक क्रक्स निकाला इस hmm. पूरे सर्कस का लाइक लाइक टू शेयर विद बोथ ऑफ यू इट्स अ रेसलिंग जिसमें टीम ए है टीम बी है टीम ए में शायद बड़ा स्टार सक्सेसफुल है और टैलेंट शायद थोड़ा कम है टीम बी में बहुत टैलेंट है लेकिन सक्सेस शायद उनके पास कम है दोनों एक दूसरे को जज करते हैं जिसके पास टैलेंट कम है वो कहता है कि इसको कैसे इतना अच्छा काम आ, हुआ है। और जिसके आ, पास, पास सक्सेस कम है वो कह रहा है कि ये इतना बड़ा स्टार क्यों है mm. अब ये जो रेसलिंग रिंग हो रही है ना ऊपर से एक कैमरा लगा है मिया का जो सबको देख रहे हैं <laughs> दोनों टीम्स को और तमाशाइयों को ऑडियंस को भी देख रहे हैं और अल्लाह मिया हंस रहे हैं कि यार रिस्क तो मैं दे रहा हूँ इज्जत तो मैं दे रहा हूँ ये क्यों जज कर रहे हैं एक दूसरे को एंड दैट इज वेन यू शिफ्ट कम्स कि कभी कभी जो इतना सक्सेसफुल नहीं होता

रंगत आई कलर ये स्टाइल की वजह से ना ये आ गया है इसके अंदर इसको uh -huh. आता वाता कुछ है ही नहीं ठीक uh -huh. है ना सो यू आर ऑलरेडी फ्रॉम दैट पॉइंट

और मेरी जान निकलती थी और जब जब वो yeah. जब वो आवाज़ ना एक्शन और एक आवाज थी गर्र मैं कहता था ये लाइन कब खत्म होगी एक <laughs> लाइन मुझे नहीं सो यू लर्न सो मेरी पीपल जज यू बट द थिंग इज़ कि आपकी जर्नी आप खुद कहां अपने आप को ले जाना चाहते exactly. हैं ये बड़ा मैटर करता है ये exactly. बहुत मैटर